तो आज यहाँ पे हम क्यों आए? आप बताओ हम क्यों आए? दिस इज अब चलो अंदर चलो अंदर का मुझे भी लग रहा है नहीं करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं फर्स्ट चेकअप के लिए और ये हमारा अंदर चलो जीपी है। दिस इज द मेडी सेंटर। आई एम श्योर इसके बाद ये लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए और आज अन्य की वजह से मेरा भी नाम प्रायोरिटी लिस्ट में पड़ा हुआ वैक्सीन लेने के और हम बाहर जाए। आज पूजी में पूछी कि भैया कहाँ कलर का है, काले वाले का बोला वो दोनों ना साथ में भेजना था पर साथ में गया नहीं तो अभी हमने बोला क्या बोले तो मैंने कहा कि किसी और के लिए भेजा है। मैंने कहा सब दिमाग तो लगाते रहेंगे अपना अपना कि कोरोना कोरोना में हम वैसे कुछ भेजते नहीं है और हम किसी और के लिए कैसे भेज सकते हैं। कोई गैस करना चाहता है क्या इसको पहले? बड़ा फ्रेम टाइप में दिख रहा है। अच्छा ठीक है। आज आया तो प्रियंका को बोलू क्या जयकार और आ गया तो ये बोल रही है कि मम्मी अपना ही है तो मैं बोली नहीं भैया ऐसा नहीं है इसीलिए मैं बात नहीं कर रही थी आपसे। मैं बोली मैं तो हंस दूंगी थोड़ा हंसता था तो लगता था हंस नहीं रहा है तो मैं बोले कि वो दूसरे का है तो क्या मिंकू को पूछ रहा था भैया तो फिर मैं बोली कि हो सकता है पूछता रहेगा कि ले जाना दे के आना सकता देखो हमने जो भेजा वही आया है कि कुछ और आया है भैया सही क्यों नहीं बता रहे हैं मैं तो कब से मुझे समझ में आ गया था कि चॉकलेट है मैं यही बोल रही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा देखो पिघली नहीं रहनी चाहिए तो पहला गेस तो रॉन्ग हो गया तुमने फ्रेम बोला था यही गेस किया था क्या आया था इलाके उसको सुनिए सर पुलिस में चॉकलेट है ठीक है यही बोल रहे चलिए अभी दूसरा ओपन कीजिए अभी आ गए बस मिंकू सोफे पे बैठ जाओ पापा के पास तो एनी गेसेस इसके लिए कोई गेस करना चाहता है तो कुछ लिखा नहीं है फिर भी फिर भी मिंकू यहाँ पे आके बैठो पापा के पास दिख नहीं रहे तुम कैमरे में तो क्या मैं हाँ ना नहीं बोलूंगी आप सब लोग बस गेस करो देखते हैं किसका राइट निकलता है चलो कोई गेस नहीं कर पा रहा ना फिर अभी खोल लो फिर सरप्राइज है ये बोल रही है नहीं गेस कर पाया अभी भी अच्छा मतलब
आप लोग को भी भाई हम सोच रहे थे बताना है कैसे अच्छे तरीके से बताएं। तो सब लोग चलो पहले मुंह मीठा कर लो। किसी ने ये सोचा था कि सरप्राइज किसी के दिमाग में नहीं आया। मेरे को लगा कि सब लोग समझ जाएंगे जैसे ही चॉकलेट देखेंगे तब। मिंकू सबसे ज्यादा स्मार्ट निकले। प्रियंका बोलती आप लोग आ रहे हो क्या? सबसे पहले आपको बताया अभी मेरे घर पे भी सेम यही भेजा है, सेम ऐसे ही दोनों भेजा है, वहां पे भी आगे पीछे आया है, उनको भी यही बोला है कि मतलब किसी और के लिए भेजा है, तो अभी उनको बताते। तो हाँ तो ये मग बहुत लेट आ रहा था, तो हमने कहा चलो रुकते हैं, पहले चॉकलेट जल्दी पहुंच गई, मग लेट आ रहा था, तो हमने कहा कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा अभी। उस टाइम बोला था ना कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है मेरा। हाँ पूरा 1.5 महीना इन्होंने दाल चावल बना के खिलाया मुझे। सिर्फ दाल चावल 1.5 महीना। कुछ भी खाती नहीं थी, इतना मना करता था, इतना फोर्स करता था, ये खाओ वो खाओ, कुछ भी नहीं खा रही थी। तो डॉक्टर को पूछा हमने क्या करना चाहिए, तो बोला नहीं चला, हम सब देख रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा होता है, चिंता मत करो। थोड़े ही फोटो निकाले उस दिन, पर जितने निकाले उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और वो भेजा है। डॉक्टर बोल रहा है कि बेबी बहुत एक्टिव है, बहुत उछल कूद कर रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सोनोग्राफी में क्या करते हैं कि फोटो निकालते हैं बेबी का पेट में से, तो जहाँ रुकता है एक जगह पे फोटो खींचना चालू करते हैं, तो इतना एक्टिविटी था, तो बोल रही है बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक छोटे बच्चे के लिए इतना एक्टिव रहना। देखिए कितना सारा उसने हमको निकाल के दिया है, मैंने तो आपको एक ही भेजा है लेकिन उसने इतना सारा निकाल के दिया हमको, उसका हाथ पैर सिर सबका फोटो निकाला। तो बस यही था सरप्राइज, मैं सोची कि सब लोग एक बार बैठ जाए। थैंक यू पापा। हाँ मैं इनको बोल रही थी कि सब लोग सुनेंगे तो एकदम ये हो जाएंगे, तो हाँ बस आगे सब अच्छा रहे क्योंकि इसीलिए मैं आपको बोल रही थी ना दिसंबर में नहीं आएंगे। अभी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे तुमसे आप वहाँ पे मुझे इंतजार है, मैं तो हर दिन इनको बोलती हूँ कि हम लोग इतना दूर हैं, इन्होंने सेवा की है 1.5 महीना दाल चावल बना के। तो अभी फर्स्ट स्कैन हुआ है, शायद 5वें महीने में दूसरा स्कैन दिखाएंगे। तो फर्स्ट स्कैन में बेबी का हार्ट बीट, बेबी कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसा है, सब दिखाया, हाथ पैर रीढ़ की हड्डी सब वो फोटो में है, सब दिखाया उन्होंने, तो वो एकदम सही है। उल्टा बेबी के डेट के हिसाब से 3 दिन बड़ा दिख रहा है बेबी, ऐसा बता रहे हैं साइज के हिसाब से, जो बहुत एक्टिव है, तो अच्छी चीज़ है। वो अल्ट्रासाउंड स्कैन कर रही थी उसको, वो लोग जब स्कैन करते हैं ना तो वो फोटो भी खींचते हैं ताकि हमको दे सके फोटो,
तो फोटो खींचने के लिए उसको वो बेबी एक जगह टिक ही नहीं रहा है, तो वो बोलते तुम क्या खा के आई हो आज, वो इतना मतलब एक जगह टिक ही नहीं रहा है, इतना पलाटी मार रहा है, मार रहा है, वो मार रहा है, तुम क्या खा के आई। मैंने कहा मैं मैगी खा के आई हूँ। मैंने मेरा कमिटमेंट कर दिया, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। चलो बताओ पहले डब्बे में क्या होगा, सोचो सोचो, जब तक खुल रहा है तब तक। आप लोगों के लिए ही है, चलो गैस नहीं हो रहा क्या? चल ठीक है ठीक है ठीक है, खोलो ठीक है। चलो ठीक है खोलो। खाली तो नहीं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अमेज़न खाली कब से भेजने लग गया डब्बे? मम्मी मजा आ रहा है क्या? सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। मैंने देखा उसके अंदर था। तुम मुझे उल्लू मत बना, ठीक है ना? मैंने भेजा सरप्राइज गिफ्ट, तू मुझे उल्लू बना रहा है। चल निकाल उसमें से क्या था। अरे इसने ना पहले खोल के रखा। नहीं, इसने मैंने देखा भी निकाला। अमेजोन वालों ने मेरे से पैसे ले लिए, अमेजोन वालों ने मेरे से खाली डब्बे भेजने के पैसे ले लिए क्या? पापा नीचे देख रहे हैं। अरे दादा टाइम पास मत कर, दिखाना। अरे मम्मी देखो दिखा नहीं रहा ये। नहीं, फर्स्ट गिफ्ट प्लीज। पहले पहला ओपन करना है, पहला ओपन कर पहले। मम्मी बता रही है, वो पीछे छुपा के रखा है। अरे यार ये मेरे को उल्लू बनाने लगा हुआ है। पहले वो पहला वाला खोल। अरे खोल गया ना तेरे सामने। उसके अंदर जो निकला है पेपर के अलावा वो निकाल। अरे हवा निकली है, हवा। पापा देखो ना, ये पहला नहीं दे रहा है गिफ्ट। आप लोग को दिखाई नहीं दे के कहाँ छुपा दिया इसने? मम्मी कहाँ है? नहीं नहीं वो मैंने देखा नहीं, मैं मेरे ऑफिस का कॉल देख रही थी उस टाइम पे, मेरे से मिस हो गया। वो रखा रखा लाइट में रखा तो देख, खोल ना फिर। पापा ढूंढ के लाओ क्या, कहाँ रखा है इसने गिफ्ट बताओ। सरप्राइज मैं दे रही हूँ कि ये दे रहा है सरप्राइज? यू आर द वन रिसीविंग द सरप्राइज, नॉट गिविंग मी सरप्राइज। ओके अभी खोलो उसको। मम्मी देखो ये पहला सरप्राइज है। खोलो 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 उसको, क्या है बताओ मम्मी ये? हाँ चल दूसरा। एनी गेसेस फॉर सेकंड वन? अभी चलो पहला तो आप लोग गेस नहीं कर पाए, अब दूसरा गिफ्ट बताओ क्या होगा। पापा बोल रहे हैं मैं ही खोल लेता हूँ, ये तो खोल नहीं रहा है। पापा सामने आके अनबॉक्सिंग करो।
हाँ बताओ क्या है। हाँ इसमें डब्बा खोलो फिर पहले खाली कोई गेस नहीं कर पा रहा है बताओ। इसमें भी टाइम पास नहीं जाओगा बहुत नालायक है तू अब तो गेस कर। बोल क्या समझाए। इट्स योर प्रमोशन। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली मम्मी प्रमोशन हुआ है आपका? इतने दिनों से पूछ रही थी एक ही चीज मुझे। फिर कितने दिन कितने मंथ हो गया? 3 months हो गए। 3 months में कंफर्म होता है क्या? क्या है बॉय की गर्ल है? वो तो 5th month पता चलेगा। सो 19th December इज द डेट। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं दिसंबर में नहीं आऊंगी, मार्च अप्रैल में आऊंगी। हाँ ये बात तो है पापा, आपने गेस किया टाइम पे ना कुछ बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए। डेढ़ महीना जीतू ने मुझे दाल चावल बना के खिलाया है। नहीं अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, उसने बोला कि आप लोग वैसे भी ड्रिंक नहीं करते स्मोक नहीं करते तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते इसलिए आयरन का कमी हो सकता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना जरूरी है।